ये तो मुझे आइडिया था कि डेफिनेटली इंडिया ने वाइट वॉश करना है बांग्लादेश को, लेकिन इंडिया ने आज जो कर दी है बांग्लादेश के साथ, आज जो कर दी है भाई, इसकी वापसी नहीं है। बांग्लादेश अब नहीं आता इंडिया में कभी भी। मुझे लगता है बांग्लादेश ने अब क्रिकेट छोड़ देनी है, और छोड़नी बनती भी है भाई, क्रिकेट छोड़ दें अब जो है ना वो वापसी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने एक बार मार खाई थी एशिया कप में बहुत बुरे तरह से, उसके बाद पाकिस्तान वापस नहीं आया, तो बांग्लादेश ने जिस तरीके से मार खा ली है, और मैं हैरान हूँ यार कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज के फौरन बाद दोबारा से ये T20 सीरीज भी रख दी है। मतलब यार उनके साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, क्योंकि ऑनेस्टली इसके बाद तो जुल्म और ज्यादती नहीं, ये जुल्म और ज्यादती है, क्योंकि इतना मारा है भाई, इतना पीटा है, इतना पीटा है, पिटाई हुई है, यकीन करे रो धोकर वापस जा रहे हैं भाई। अभिषेक शर्मा, शुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन है, जयसवाल है उनके पास, इतने उनके पास ओपनर हैं। तीसरे नंबर के लिए उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी आ गया, विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव है, कभी हार्दिक पांड्या को वो ऊपर भेज देते हैं। यार उनकी माइंड सेट देखो, माइंड गेम उनकी देखो। बॉलिंग में उनको पता है हमने बुमराह को बायलैटरल सीरीज नहीं खिलानी T20 वाली। हाँ, और संजू ने डिलीवर कर दिया आज। अच्छा, डिलीवर कर देता तो कोई मसला नहीं था, मतलब खोल दिया, फाड़ दिया, पागल बता। उसने बताया कि अगर आज मेरे रन बनाने का दिन है तो मैं ये तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मेरा मैच बांग्लादेश से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से होता तो मैं शायद 65 गेंदों पे 100 करता। सूर्या ने बदला, व्हाइट वॉश का बदला ले लिया सूर्या ने बांग्लादेश से, ऐसी की तैसी। यार किसी का तो कोई, सूर्या भी तो कोई बदला लेगा। ले लिया उसने बदला आज बांग्लादेश से व्हाइट वॉश होने वालों का। इंडिया ने एक और सीरीज अपने नाम कर ली है, और वो किस तरह से इतना ज्यादा डोमिनेट कर रही भाई है। आप डोमिनेट गलत बोल रही हो, आप बोलो किस तरह से इतनी तबाही मचा के रखी हुई है क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर। मतलब यार खतरनाक किस्म का चल रहा है। अभी आपने देखा ICC ने भी डाला है कि भाई इंडिया ने मोस्ट हाईएस्ट रन। मैं समझता हूँ कि भाई अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार तू ये इंडिया वगैरह करते रहता है। भाई क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखो उनका, किस तरह की उन्होंने अभी बांग्लादेश की अगर आप सीरीज देखो, किस तरह से उन्होंने सीरीज निकाली है। हर मैच आप देखो किस तरह के माइंडसेट से खेला गया है। आज जो इंडिया ने किया है 297 फेंटा लगा के ठोक के रख दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को, और ऐसा ठोका है कि उनको पता लग गया कि भाई ये हमारी जो टीम है ये हल्की टीम नहीं है। यंग लड़के हैं लेकिन बहुत तगड़े हैं। संजू सैमसन बहुत परफॉर्म करता है IPL के अंदर, लेकिन उसको कहीं लेट आई थिंक चांस मिला। खेलता हुआ आ रहा है लेकिन कभी ड्रॉप होता है, कभी खेलता है, लेकिन उसको चांस मिला। और अब मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा वगैरह से के रिटायर होने के बाद अब ये एज अ ओपनर मुझे ऐसा लगता है अब ये रेगुलर टीम से खेलेगा। बांग्लादेश ने इस पूरे टूर के ऊपर काफी फेटा खाया, लेकिन फेटे के बाद जो इख्तिताम था, जो आखिरी चेरी ऑन द केक थी, वो आज संजू सैमसन और सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या और रियान पराग, जिसका नाम लें वो कम है, चाहे NKR की बात करूं या संजू की बात करूं या पांड्या की बात करूं या मैं सूर्या की बात करूं या फिर मैं आज रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, मयंक यादव की बात करूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके साथ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो गाइस फाइनली बांग्लादेश वर्सेस भारत की T20 सीरीज खत्म हो गई है, और जिस तरह से भारत ने फेंटा लगाया है ना लास्ट मैच में बांग्लादेश को, भाई बांग्लादेश को सदियों तक ये हार याद रहेगी। और मैं आपको बता दूं जिस तरह से भारत ने 297 रन किए, ICC को अपने ऑफिशियल पेज पे भाई पोस्ट डालना पड़ गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया और T20 का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने के लिए। क्या कमाल की बैटिंग की है संजू सैमसन ने, देखो जिनके ऊपर लगातार सवाल उठते रहते हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से टीम में रखा भी नहीं जाता। आपको पता ही होगा, आप पिछले काफी समय से देख रहे होंगे और IPL में भी लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे संजू सैमसन के लिए कि उन्हें टीम में मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और आज क्या गजब का जवाब दिया है उन्होंने आलोचकों को, और पाकिस्तानी मीडिया तो ये देख के पागल हो गया है। तो मैं कुछ पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो लेके आया हूँ, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई साहब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है कि जैसे संजू ओपनर है इंडिया का, उसने सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी इंडिया की तरफ से 40 गेंदों पे, रोहित शर्मा की 35 गेंदों की थी। सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई कोई हमारे पास ऐसा जो बाबर रिजवान, हमारे किंग कॉन्ग है, किंग है, कॉन्ग है, तो भाई क्या ये दोनों जो है कभी जिंदगी में ऐसी इनिंग खेल सकते हैं? एक सूर्या की तरह खेल ले, रिजवान का बात होती है जी, सूर्या और रिजवान के दरमियान कंपटीशन बड़ा चलता था भाई, रैंकिंग उसकी ऊपर है, उसकी जा रही है, रिजवान और सूर्या बड़ा चलता था। तो भाई क्या रिजवान सूर्या की तरह खेल सकते हैं? और क्या बाबर आजम
जिसमें सूर्या ने अपनी पहली संजू ने अपनी पहली सेंचुरी मारी है, संजू सैमसन ने मेडन सेंचुरी थी, और ना वो इंडियन टीम का रेगुलर पार्ट रहते हैं, कभी पंत होते हैं कभी ये होते हैं, अंदर आना बाहर जाना लगा रहता है। क्या संजू जैसी इनिंग बाबर आजम अपने कैरियर में इतने पीक पे भी गए डिक्लाइन भी आया, क्या बाबर आजम ऐसी इनिंग खेल सकते हैं? तो सवालों के जो जवाब थे उसमें फैंस ये बात करते हैं कि भाई हकीकत ये है कि हमारे जितना भी हम प्यार कर ले बाबर आजम को, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने जितना मर्जी उनको बड़ा किंग कॉन्ग बनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि बाबर आजम साहब ऐसी संजू और सूर्या जैसी इनिंग ख्वाब में भी नहीं खेल सकते। नहीं बिल्कुल हकीकत है, और मैं 100% जो है एग्री, अकेली टीम ने 297 बना दिए। खुद सोचो कि ये कौन सी क्रिकेट खेली है हिंदुस्तान ने, ये कौन सा मैच हुआ है भाई, ऐसे कौन सी क्रिकेट है जो कि हिंदुस्तानी खेल सकते हैं, हम नहीं खेल सकते। और वाकई में ये हुआ है हिंदुस्तान की टीम ने जिस किस्म का ये प्रूफ किया है, जिस तरीके से अपनी मैच को दिखाया है, मैं खुद हैरान हूं कि ये कैसे हुआ है। शुएब अख्तर कहते हैं कि भाई दिस इज रियली अनबिलीवेबल, इंडियन क्रिकेट टीम नाउ इज डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टीम इन द वर्ल्ड एंड दे हैव प्रूव्ड इट। वेल डन सूर्य कुमार यादव, वेल डन संजू सैमसन। भाई यह शुएब अख्तर ने मैच में देखा नहीं होना, ये ऐसे खाली यूट्यूब चैनल पे आके बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग मैच देख रहे थे, ये जो लुल्लू टॉप मैंने रखा हुआ है इसके अंदर मैं पूरा मैच देख रहा था और बड़े सुकून से देखा, और यकीन करो फटके 4-8 हो गए कि यार ऐसी क्रिकेट अगर अल्लाह ना करे इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ गई तो यहां पर तो ये 500-600 रन T20 में मार के चले जाएंगे भाई, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो यहां पर पिचेस होती हैं, क्योंकि यहां पर 6 बोलों में 6 छक्के लगने हैं, और 5 बोलों में 5 संजू सैमसन ने मारे हैं इंडिया की पिच के ऊपर, 5 बोलों में 5 छक्के मजाक नहीं है भाई। और वहां पर वो संजू सैमसन मार के अच्छा फीलिंग ये नहीं कि उछल रहा है कूद रहा है, ना सुकून से वो कहता है ठीक है भाई 5 छक्के तो मारे हैं क्या हो गया भाई। वो सूर्य कुमार यादव भी साथ में खड़ा था, वो भी कह रहा है कि चलो यार कोई बात नहीं, बंदे ने कैसे मार दिया, मैं सूर्य कुमार यादव, हालांकि लोग सूर्य से कर रहे थे, सोच रहे थे कि भाई सूर्य कुमार यादव शायद फिर भी छक्के मार ले थोड़ा अच्छा कर ले, लेकिन किसी ने संजू सैमसन का सोचा भी नहीं था। लेग स्पिनर है वो इरशाद जो है, क्या बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक मजा आ गया उनकी बॉलिंग देख के, मुंह पे दिए जा रहे हैं वो छक्के मारी जा रहा है मुंह पे दिए जा रहे हैं, ये कैसे लेग स्पिनर थे, कैसी हाइट है इनकी, पता नहीं क्या एडवांटेज उठाते रहे, पता नहीं क्या डोमेस्टिक में बांग्लादेश में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दे के वो टीम में आए, समझ से बाहर है, लेकिन वो जो जो गलतियां करते जा रहे थे संजू सैमसन ने ठोक ठोक के उनको 5 छक्के लगा दिए एक ओवर में, और उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव शॉटे खेलता है कोई पता नहीं चलता, रिलीज होने तक वो अपनी क्रीज में रहता है, जैसे ही एंड तक बॉलर बॉल को रिलीज करता है उस टाइम वो मूव को होता है, कभी ऑफ स्टंप पे जाके ऑन पे मार देता है, कभी ऑफ स्टंप पे पॉइंट पे मार देता है, कभी किधर मार देता है, अजीब और गरीब किस्म का वो प्लेयर आया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और मतलब यानी बॉलर की लाइन को लेंथ को उसके कॉन्फिडेंस की तहस नहस करके साइड पर मारता है। इंडिया में भी आप फ्लैट पिचेस देखे बनती है, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, हर जगह पे फ्लैट पिच होती है, और वो अपनी कंडीशंस का पूरा फायदा उठाते हैं, और उनको ये पता है अगर हमारी बैटिंग आएगी सेकंड तो हम चेस भी कर सकते हैं, अगर हमारी बॉलिंग आएगी पहले या बाद में डिफेंड करना है या जो भी करना है हम वो सब कुछ भी कर सकते हैं, और वो हमें नजर भी आता है। ये नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ, आप बेशक यही टीम है, इसी टीम में अगर 2-3 चेंजिंग्स हुए जिसमें पंट भी अगर इस टीम के अंदर आ जाते, बुमराह भी आ जाते, एक आध और प्लेयर आ जाते, तो फिर इंडिया की टीम ज्यादातर मुझे लगता है यही है, तो ये टीम भी दूसरी टीम को आराम से पकड़ेगी। तो गाइस फाइनली वीडियो खत्म हो गए हैं और आपने पाकिस्तानी मीडिया को सुना। देखो पाकिस्तानी मीडिया भी अब लगातार संजू सैमसन के बारे में बात कर रहा है, और सच में संजू सैमसन वो टैलेंट है जिन्हें अगर सही तरीके से मौका मिले टीम में तो वो रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं, इतने गट्स हैं उनके अंदर, लेकिन लगातार सेलेक्टर उन्हें टीम में अंदर बाहर करते रहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनका टैलेंट दब रहा है। फिर बात करें हार्दिक पांड्या की, भाई ये बंदा ऐसा ऐसे जितनी बार आप देखोगे उतनी बार ये कुछ नया करके दिखाएगा तुम्हें, उतनी बार अगर आप तीनों मैचों की बात करें तो सबसे पहले मैच में 9 लुक शॉट उनका बड़ा मीडिया में वायरल रहा, फिर उसके बाद दूसरे मैच में कैच जो उन्होंने लिया बाउंड्री पे भागकर फिर डाइव लगाकर, और तीसरे मैच में पावर हिटिंग, तो ये वो बंदा है भाई जो इंडिया के लिए कभी फील्डिंग में कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में अपना 100% देता है। सूर्य कुमार यादव ये एक तूफान है और सबको पता है अगर ये 5 ओवर विकेट पर रुक गया तो ये किसी भी मैच को इधर से उधर कर सकता है। फिर बात करें उसके अलावा ध्यान पराग की, तो आज ध्यान पराग ने भी कमाल के हाथ दिखाए, मतलब जो छक्के मारे वो बड़े कमाल थे,
और मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश अब फ्यूचर में भारत का टूर करने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार क्या सच में हमें भारत जाना चाहिए। और सांटो तो अपनी कैप्टनसी में मुझे नहीं लगता भारत आएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और भारत की इस विशाल जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।